किसी जन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताए थे सूक्ष्मापी यंत्र, उसी सिलसिले में आज आपको बता रहे आउटसाइड माइक्रोमीटर। जैसा आप नाम से जान रहे हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहरी सूक्ष्मापी यंत्र है, यह एक प्रकार का सूक्ष्मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम 0.0001 mm या 0.001 inch तक की शुद्धता में माप ले सकते हैं। इसके द्वारा हम बाहरी माप जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, किसी भी चीज वस्तु की जो है जो ऑब्जेक्ट मिला है उसकी हम लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बाहरी माप को लेते हैं। कितना में 0.01 mm या 0.001 inch की शुद्धता में। इसमें जैसा आगे देख रहे हैं ये यही आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसमें अलग अलग इसके पार्ट्स के बारे में भी पहले भी हम बताए थे और अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके जो पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट्स जैसा वहां देखे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ एनविल, ये इधर का जो पार्ट्स है यहाँ भी देख रहे हैं ये एनविल है। उसके बाद जो हाथ से हम पकड़े हुए हैं ये जो है ये फ्रेम है, ये स्पिंडल है, यहाँ पर लॉक स्क्रू है और ये जो है स्लीव या बैरल जिस पर एमएम के हाफ एमएम के निशान बने हुए हैं उस पर एक जैसा आप सीधी एक लाइन देख रहे हैं ये एक सीधी लाइन खींची हुई है जिसको डेटम लाइन कहा जाता है और इसके ऊपर में एमएम का हाफ एमएम का निशान बना हुआ है और ये स्लीव या बैरल इसको कहते हैं। और उसके बाद थिम्बल आ रहा है, उसके बाद अगला पार्ट है इसको थिम्बल कहा जाता है। थिम्बल पर जो है फिर उस पर भी जो है निशान बने हुए हैं जो 50 निशान बने हुए हैं। इसके एक खाने का मान या एक डिवीजन का मान 0.01 mm होता है, यानी टोटल जब कभी भी माप लेंगे हम तो इसको जीरो से मिलाएंगे और देखेंगे कि कौन सा मान जो है उससे मिल रहा है, उसके आधार पर हम एक्यूरेट बिल्कुल सटीक माप किसी भी वस्तु की ले सकते हैं जो 0.01 की एक्यूरेसी में होगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ही पूछता है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। अगर मान लीजिए अगर आपको पूछ रहा है मैट्रिक सिस्टम में तो मैट्रिक सिस्टम में 0.01 mm कहेंगे और अगर ब्रिटिश सिस्टम में पूछ रहा है तो वह होगा 0.001 inch। जैसा कि देखें इसके पार्ट्स के बारे में भी अभी बता दिया आपको कि जैसे एनविल, फ्रेम, स्पिंडल, लॉक स्क्रू, उसके बाद जो है स्पिंडल स्लीव या बैरल, थिम्बल और रैचेट स्टॉक। रैचेट स्टॉक की इसकी भी जो है बहुत ही महत्ता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास एनविल और स्पिंडल जब दोनों सटेगा तो हाथ के प्रेशर से समान प्रेशर रहे इसके लिए रैचेट स्टॉक बनाया गया। इसके बाद सटने के बाद वह अपने आप आवाज करती है और उससे सटीक माप आता है। तो इस तरह से ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की मापों को लेते हैं। उसके बाद किस तरह से माप लेंगे वो आपको हम अगले क्लास में बताएंगे।